गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 अम्ल सारक एवं लवण, और इसमें हमने पढ़ लिया था कि अम्ल क्या होता है, और उम्मीद है कि वो आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद सारक भी पढ़ लिया था, और उम्मीद तो ये भी है कि शायद वो भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम पढ़ते हैं कि जो अम्ल और सारक हमने पढ़े थे वो कितने शक्तिशाली होते हैं। शक्तिशाली मतलब कि कोई अम्ल कितना प्रबल है या कोई सारक कितना प्रबल है कि दुर्बल है। तो वो चीज पढ़ने के लिए कि उसकी क्षमता ज्ञात करने के लिए हमें पीएच स्केल पढ़ना पड़ेगा। पीएच स्केल क्या है? देखो, ये एक स्केल है। स्केल मतलब पैमाना है। एक जैसे आपके पास एक स्केल होता है पैमाना, जिसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं 1, 2, 3, 4 सेंटीमीटर में। वो आपको डिस्टेंस बताते हैं, मतलब किसी लाइन की लंबाई कितनी है, 1 मीटर 2 मीटर, वो ये बताता है। तो यहाँ पे पीएच स्केल क्या बताएगा? पीएच का मतलब होता है, पी का मतलब होता है पावर, एच मतलब हाइड्रोजन आयन। तो पीएच स्केल क्या बताएगा? किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की पावर कितनी है। ठीक है, ये इस शब्द का मीनिंग है। ठीक, अब इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा आगे बताता हूं। उससे पहले देखो, हमें पता है कि जब जो पानी होता है, शुद्ध जल जो होता है, वो उदासीन होता है। क्यों होता है उदासीन? क्योंकि जब जो जल आयनीकृत होगा, आयनीकृत का मतलब जब जल टूटता है तो वो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में टूटता है, और जल में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों ही समान मात्रा में होते हैं, और दोनों का ही विपरीत प्रभाव होता है। हम पढ़ चुके हैं कि अम्ल में हाइड्रोजन आयन होते हैं और सारक में हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, और अम्ल और सारक दोनों का विपरीत प्रभाव होता है। अब जल में ये दोनों ही चीजें हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि विपरीत प्रभाव है। इसलिए जो जल होता है, शुद्ध जल की बात कर रहा हूं, मैं अशुद्ध जल की बात नहीं कर रहा हूं। शुद्ध जल जो होता है वो उदासीन होगा। मतलब क्या? वो ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। लेकिन जैसे ही हमने ये भी पढ़ लिया कि अम्ल सदैव जलीय विलयन में ही अम्लीयता दिखाते हैं, इसलिए जब हम किसी अम्ल को जल में मिलाएंगे तो उसके अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी। जल में पहले से ही हाइड्रोजन आयन थे और हाइड्रोक्साइड आयन भी थे, लेकिन वो समान मात्रा में थे। जैसे ही हमने जल को उसमें मिलाया, सॉरी, अम्ल को जल में मिलाया, तो अम्ल मिलाने से अम्ल के हाइड्रोजन आयन जल में चले जाएंगे, तो उस जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक हो जाएगी, इसलिए वो विलयन बढ़ जाएगा, अम्लीय विलयन। ठीक है, इसका उल्टा, अगर हम जल में कोई सारक मिला दे तो सारक तो क्या देता है? हाइड्रोक्साइड आयन देगा, OH नेगेटिव। जल में पहले से हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं और हमने सारक मिला दिया तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता क्या हो गई? बढ़ गई, इसलिए वो क्या होगा? सारीय विलयन हो गया। तो हमने देख लिया भाई, कोई भी ऐसा विलयन जो अम्लीय है, जिसमें हाइड्रोजन आयन अधिक है, क्या उसमें हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं? उसमें हाइड्रोक्साइड आयन भी होते हैं। अगर कोई विलयन जिसके अंदर जो अम्लीय है, कोई विलयन जो अम्लीय है उसमें हाइड्रोजन आयन तो होंगे ही, क्योंकि वो अम्लीय है, लेकिन उसमें हाइड्रोक्साइड आयन भी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो विलयन जल का विलयन है और जल में हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि कोई अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बहुत अधिक होती है और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कम होती है। ऐसे ही सारीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से बहुत अधिक होती है। तो ये पेपर में आता ये प्रश्न है कि अगर कोई विलयन जो अम्लीय है उसमें हाइड्रोजन आयन तो होते हैं, क्या उसमें हाइड्रोक्साइड आयन भी होते हैं? तो उसमें हाइड्रोक्साइड आयन भी होते हैं, लेकिन उनकी सांद्रता बहुत कम होती है। ठीक है भाई, देखो, तो कोई विलयन, देखो, अम्लीय है चाहे क्षारीय है, दोनों में हाइड्रोजन आयन भी है और हाइड्रोक्साइड आयन भी है। तो हम किसी भी विलयन की क्षारीयता और अम्लीयता को किसी एक से माप सकते हैं। जब दोनों में ही हाइड्रोजन आयन भी है और हाइड्रोक्साइड आयन भी है, तो हम किसी एक से दोनों की अम्लीयता और क्षारीयता को माप सकते हैं। तो
किसी भी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को हम हाइड्रोजन आयन से मापेंगे, सिर्फ हाइड्रोजन आयन से। अब तक हमने देखा कि कोई विलयन क्षारीय है क्योंकि उसमें हाइड्रोक्साइड आयन है, ये पढ़ लिया। लेकिन अब मैं बात करूंगा कि वो विलयन क्षारीय है तो उसकी क्षमता को हाइड्रोजन आयन की के कारण बताएंगे, मतलब उसमें हाइड्रोजन आयन कितने हैं उसके हिसाब से उसकी क्षमता को बताएंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किसी भी विलयन की क्षारीयता या अम्लीयता को बताने में मदद करती है। और इसी का फायदा उठाया किसने, सोरेनसन, एक वैज्ञानिक था सोरेनसन, जिसने 1909 में एक पैमाना विकसित किया और उस पैमाने का नाम क्या दिया, उस पैमाने का नाम था पीएच स्केल या पीएच पैमाना हिंदी में अगर हम कहें तो। उस पैमाने पे किसी भी विलयन की क्षारीयता और अम्लीयता को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से बताया गया है कि मतलब उस विलयन में हाइड्रोजन आयन कितने हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान है। कैसे है, उसने एक पैमाना बना दिया भाई, एक स्केल बना दिया, जैसे ये स्केल बना दिया, किसने बना दिया, सोरेनसन ने। और उसने कह दिया और इस पे मान लिख दिए कुछ, मतलब कुछ अंक लिख दिए, जैसे हमारे जो पैमाना होता है दूरी मापने वाला उस पे लिखे होते हैं 1, 2, 3, 4 सेंटीमीटर में, ऐसे ही इसने इस पैमाने पे 0 से लेकर और 14 तक कुछ नंबर लिख दिए। और ये नंबर क्या बताएंगे, ये पीएच बताएंगे। पीएच का मतलब क्या है, देखो ये स्केल ही पीएच स्केल है, पीएच का मतलब जैसे कि मैंने बताया पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, मतलब ये जो स्केल पे नंबर लिखे हुए ना 0, 1, 2, 3, 4, ये आपको हाइड्रोजन आयन की पावर बताएंगे कि हाइड्रोजन आयन कितने हैं। सीधा साधारण शब्दों में हम बोल देते हैं कि इनके पीएच कितनी है, ठीक है। अब ये बोलने की बजाय कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा है कम है, हम सीधा बात करेंगे पीएच। तो पीएच स्केल बना दिया किसने, सोरेनसन ने, और उसने इस स्केल पे 0 से लेकर और 14 तक कुछ नंबर डाल दिए, ठीक है। और उसने क्या दिया, ये जो नंबर है ये पीएच को बताते हैं, जैसे साधारण पैमाने पे जो नंबर है वो दूरी को बताते हैं, ऐसे ये जो नंबर है 0 से 14 तक ये क्या बताएंगे, ये पीएच को बताएंगे। और एक बात याद रखना, जो पीएच होती है किसी विलयन की पीएच, वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, मतलब उल्टी है। अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो उसकी पीएच घट जाएगी, उस विलयन की पीएच घट जाएगी। मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर बढ़ जाएगी तो किसी विलयन की अम्लीयता भी बढ़ जाएगी। कहने का मतलब क्या है, अगर पीएच बढ़ेगी तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटेगी, और अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो पीएच घटेगी। सीधे से शब्दों में मैं कहूं, अगर कोई विलयन की पीएच 1 है और एक विलयन की पीएच 4 है, तो जिसकी पीएच 1 है उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। ये फॉर्मूला ये बताता है कि जिसकी पीएच कम है उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है और वो अधिक अम्लीय होता है, ठीक है। ये बात हम इससे देखते हैं, ये जो स्केल उसने बनाया था, तो इस स्केल पे उसने नंबर डाल दिए सीधे से 0 से लेकर 14 तक, तो जो 7 बीच में डाल दिया 7, तो जिस विलयन की पीएच 7 होगी, उसने बोला जिस विलयन की पीएच 7 होगी वो विलयन होगा उदासीन, ठीक है। उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बराबर होगी, इसलिए वो विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। अगर हम देखें जैसा कि हमने पढ़ लिया ऊपर, अगर पीएच कम है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, मतलब क्या, अगर पीएच घटेगी 7 से कम जाएगी तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी, मतलब अम्लीयता बढ़ जाएगी। कहने का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा विलयन जिसकी पीएच 7 से कम होगी वो अम्लीय होगा, जैसे 7 से कम आई 6 तो वो विलयन अम्लीय होगा, और 6 से कम आई 5 तो वो उससे अधिक अम्लीय होगा, 5 से 4 तो अधिक अम्लीय होगा, ऐसे ऐसे नीचे जाएंगे, तो जिसकी पीएच 0 है वो सबसे अधिक विलयन है, सॉरी सबसे अधिक अम्लीय है, तो 0 पीएच वाला अत्यधिक अम्लीय विलयन होगा।
ठीक है। अब जैसे अगर हम देखें कौन कंसंट्रेटेड HCl सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसकी पीएच होगी 0, अत्यधिक सांद्र होगा जिसकी पीएच होगी 0, और जिसका जो जितना ज्यादा अम्लीय होगा उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उतनी ही अधिक होगी, ठीक है। अब ये तो बात होगी अम्लीय विलयन की कि 7 से कम जिसकी पीएच है वो विलयन अम्लीय होगा, जिसकी पीएच 7 से अधिक होगी वो कैसा होगा, वो क्षारीय होगा, जिसकी पीएच 8 है वो क्षारीय है, जिसकी 9 है वो अधिक क्षारीय है, जिसकी 10 है वो अधिक क्षारीय है, ऐसे ऐसे करके जिसकी पीएच 14 है 14 है वो सबसे अधिक क्षारीय विलयन है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH उसकी पीएच 14 होती है, तो इसका मतलब है वो स्ट्रॉन्ग मतलब प्रबल क्षारक होगा, ठीक है। ये तो होगी पीएच की बात। देखो मैंने ये एक स्केल बनाया बीच में, ये मैंने लिखा हाइड्रोजन आयन यहाँ पे लिखा, देखो यहाँ हाइड्रोजन आयन कितने ज्यादा है, क्यों, क्योंकि जब हम इधर आएंगे तो अम्लीयता बढ़ेगी और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है, जैसे जैसे उस साइड जाएंगे तो अम्लीयता घटती है और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होती है, लेकिन बिल्कुल जीरो नहीं हुई, देखो जीरो नहीं हुई है, यहाँ कोने पे जाके नहीं मिला, मतलब जीरो नहीं है। कहने का मतलब क्या है, जो अत्यधिक क्षारीय होगा उसमें हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव की सांद्रता बहुत अधिक होगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसमें हाइड्रोजन आयन बिल्कुल नहीं होंगे, उसमें हाइड्रोजन आयन भी होते हैं लेकिन सांद्रता कम होती है। ऐसे ही उल्टा देखो, यहाँ जिस जो अधिक क्षारीय है उसमें हाइड्रोक्साइड आयन अधिक है, देखो कितना यहाँ से यहाँ तक कितना ज्यादा है, इधर जाओगे तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कम होती है लेकिन जीरो नहीं है। कहने का मतलब क्या है, जो अत्यधिक अम्लीय विलयन है उसमें हाइड्रोजन आयन अत्यधिक मात्रा में है लेकिन उसमें हाइड्रोक्साइड आयन भी होते हैं लेकिन सांद्रता कम होती है, ठीक है। जिन विलयनों की पीएच 0, 1, 2, 3 ये होती है वो होते हैं प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, और जिनकी पीएच 4, 5, 6, 7 से 4 तक इनको बोलते हैं हम दुर्बल अम्ल। ऐसे ही जिन विलयन की पीएच 11, 12, 13 और 14 तक होती है वो होते हैं प्रबल क्षारक, और जिनकी 8 और 10 होती है वो होते हैं दुर्बल क्षारक, ठीक है भाई। अब हम कुछ विलयन या कुछ पदार्थ जो हम अपने डेली यूज के हैं, जो हम घरों में प्रयोग करते हैं, उनकी पीएच कितनी होती है। देखो पीएच मान किसका, HCl का, देखो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सांद्र सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसकी पीएच 0 है, मतलब क्या, अत्यधिक अम्लीय है। तनुकृत HCl, तनुकृत का मतलब मैंने बताया था, उसमें अगर हम पानी को मिला दे तो तनुकरण हो जाएगा, तनुकरण मतलब किसी भी अम्ल में जल को मिलाना, हालांकि उसका उसको तनुकरण का तरीका क्या है ये हम पढ़ चुके हैं कि अम्ल को जल में नहीं मिलाते, जल को अम्ल में मिला जाए, सॉरी अम्ल को जल में मिला जाता है, जल को अम्ल में नहीं मिलाते, वो हम पढ़ चुके हैं तनुकरण का तरीका। तो तनुकृत HCl जो है इसकी पीएच कितनी है, 1 है। दूध इसकी पीएच 6.5 है, तो अगर इसकी 6.5 पीएच है तो दूध कैसा हुआ, अम्लीय हुआ कि क्षारीय हुआ, तो ये थोड़ा सा अम्लीय हुआ, 6.5 है ना, 7 से कम है तो थोड़ा सा अम्लीय है। जल इसकी पीएच कितनी, 7, मतलब 7 है तो उदासीन है, जिसकी पीएच 7 होती है वो क्या होता है, उदासीन होता है। अगर हम लार की बात करें, लार जो मुंह से लार निकलती है ना, सलाइवा जिसको बोलते हैं, खाने से पहले इसकी पीएच होती है 7.4, मतलब क्या है, ये थोड़ा सा क्षारीय है, स्लाइटली अल्कलाइन, और जब हम भोजन खा लेते हैं तो भोजन में उपस्थित जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना रोटी में, उससे अम्ल बन जाता है अंदर, तो वो हो जाता है अम्लीय, तो उसकी पीएच बन जाती है कितनी, 5.8। भोजन के बाद लार की पीएच हो जाती है 5.8, और भोजन से पहले उसकी पीएच होती है 7.4, पेपर में आ चुके हैं। रक्त की पीएच 7.4 होती है, पेपर में आ चुका है। टूथपेस्ट जो हम यूज करते हैं उसकी पीएच होती है 8। देखो
हमारे जो दंतक से होता है, दांत जो टूटते हैं हमारे, वो अति अम्लता के कारण टूटते हैं, अम्लीयता बढ़ जाती है अंदर मुंह में, जिसके कारण दंतक से शुरू हो जाता है, दांतों का टूटना शुरू हो जाता है। इसलिए हम टूथपेस्ट जो यूज करते हैं वो क्षारीय होगी, जिससे जो हमारे मुंह की अम्लीयता है जो उदासीन हो जाए। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी पीएच कितनी है? 14 होती है। ठीक है भाई, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साधारण सा पीएच, सिर्फ पीएच पता करके हम ये बता सकते हैं कि कोई विलयन क्षारीय है कि अम्लीय है, और सिर्फ इतना ही नहीं, हम पीएच से ये भी बता सकते हैं कि वो प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है, प्रबल सारक है कि दुर्बल सारक है। सिर्फ मात्र उसके सामने जो नंबर लिखा हुआ है, अगर हमें ये पता है कि पीएच इसकी 3 है, तो पता चल जाएगा वो तो भाई प्रबल अम्ल है। ठीक है, ये पता हो हमें इसकी पीएच 10 है, तो पता चल जाएगा वो तो क्षारीय है। ठीक है भाई, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रिवाइज करना है, पेपर में बहुत आता है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।